अपने घर की कंडीशन आपको दिखाऊंगी, प्लांट्स की कंडीशन दिखाऊंगी, जो कि मुझे देख के ही बहुत बुरा लग रहा है। एकदम मत खोलना, छिपकली आ जाएगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और टाइटल से आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। नहीं देखा है तो उसका लास्ट वाला वीडियो देखिएगा। तो अभी जस्ट हम मुंबई वाले घर में एंटर हुए हैं एंड आई स्टार्टेड माई न्यू व्लॉग। एंड अब मैं आपको ना घर की हालत बताती हूँ। 6 मंथ्स में, मतलब लिटरली हम अंदर घुसे हैं ना, तो हमको जाले मिल रहे हैं मकड़ी के, ठीक है, उन सब के ना ऐसे जाले मिल रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ। लेट मी शो यू नाउ, कैन यू सी दिस? ये बंद था ना इतने टाइम से, तो ये ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए, ये हमारा क्या हाल हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए, तो पता है मुझे तो ऐसा लग रहा है इस लेवल की सफाई करनी पड़ेगी ना, पूरा सामान हटा के। और ये सब इस आदमी की वजह से है? ये कपड़े यहाँ छोड़ करके गए हैं महाराज जी। इन कपड़ों में यहाँ पर ये जाले लग चुके हैं। इनको तो पहले ना एज इट इज अपन मशीन में डाल देंगे है? थोड़ा दिमाग स्टेबल हो। कैसा लग रहा है आपको घर देख के? 2 घंटे की सफाई हो जाएगा क्लीन? 2 घंटे की तो नहीं है बेटा, 2 घंटे में बेसिक क्लीन तो हो ही जाएगा। बेसिक नहीं, डीप क्लीन करना है अपन को। डीप क्लीन 1-2 घंटे में नहीं होते, अभी थके आ रहे हैं, अभी नहीं हो। अभी हाँ, अभी अपन बेसिक कर देंगे। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि बारिश ने ये क्या किया है। सी दिस, सी दिस। ये कुछ कीड़ा होता है क्या जो ये खा जाता है, हमारी दीवार खा गया? कीड़ा नहीं होता, सीड़न होती है, सीड़न। और ये है हमारा किचन। किचन तो मतलब ऐसा लग रहा है, माय गॉड, ये आपको जाले दिख रहे हैं? जाले ये देखिए, ये दिख रहा है, ये जाले दिख रहे हैं। ये क्या चीज है? ये इतनी क्या महान चीज थी जो अपन छोड़ के गए थे यहाँ बाहर? ओ ये इतना, मम्मी सही कह रही थी, सब तुम्हारा खराब हुआ होगा। खा लिया था? हाँ ठीक है। अरे अंदर देखो जरा, ये साफ करना पड़ेगा क्या? हाँ ये देखो, ओ शी, ये अपन को खुला छोड़ के जाना था उल्टा। फ्रिज में ये क्या लग चुका है, ये सब 6 महीने घर बंद रहने के नतीजे। सही में, मतलब लिटरली 6 महीने घर, अब मैं कभी जीवन में 6 मंथ्स के लिए तो कभी नहीं जाऊंगी। अब कभी भी जाऊंगी ना तो ट्रक में सारा सामान भर के लेकर के जाऊंगी। हे एवरीवन, सो वीडियो आगे ले जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करने वाली हूँ। सो बेसिकली मैंने कभी भी अपने चैनल पे या आई थिंक आई हैव नेवर यूज्ड एनी हेयर जेल इन माई लाइफ। मैंने सिर्फ अपनी शादी के टाइम पे जब मेरा हेयर स्टाइलिंग मैंने करवाई थी, सिर्फ उस टाइम पे मेरे बालों में हेयर जेल यूज हुआ था। रीजन बिहाइंड दैट इज कि मैं हेयर जेल्स क्यों नहीं यूज करती हूँ, बिकॉज क्या होता है ना, स्टाइलिंग जो हेयर स्टाइलिंग होती है वो आपके बालों को डिहाइड्रेट कर देता है। हेयर जेल आपके पूरे बालों से मॉइस्चर को ले लेते हैं, आपके बालों को बिल्कुल ड्राई छोड़ देते हैं। सो आई गॉट माई हैंड ऑन दिस अमेजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम सुपर स्मेली, जिसका नाम है हेम्प होल्ड। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस ब्रांड एवर। मुझे बताइएगा अगर आप लोगों ने कभी इस ब्रांड को यूज किया है कि नहीं किया है। दिस इज अ नेचुरल हेयर जेल। ये एक जीरो टॉक्सिन प्रोडक्ट है, विद नो पेट्रोलियम, नो फॉर्मल्डिहाइड, नो पैराबेंस एंड नो सल्फेट। ये बहुत ही अच्छा है फॉर स्टाइलिंग योर हेयर। एंड के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है हेम्प ऑयल, फ्लैक्सीड एंड रोजमेरी। तो ये जो सुपर स्मेली हेयर जेल है, ये आपको डीप नरिशमेंट देता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड शाइन ऐड करता है, हेयर ग्रोथ को स्टिम्युलेट करता है, नॉन ग्रीसी है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, ड्राइनेस एंड डैंड्रफ से प्रोटेक्ट करता है। आप इसको वेट हेयर एंड ड्राई हेयर में यूज कर सकते हैं। यू वांट दैट स्लीक एंड बहुत ज्यादा शाइनी लुक, यू कैन यूज इट ऑन योर वेट हेयर। एंड अगर आपको मैट लुक चाहिए तो आप अपने ऐसे ड्राई हेयर में यूज कर सकते हैं। सो आई विल शो यू कि इसको आपको कैसे यूज करना है। आपको जो भी हेयर स्टाइलिंग करनी है आप अपने बालों में इसको लगा लीजिए, आपके बालों को और आपके हेयर स्टाइल को बहुत अच्छे से होल्ड करता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पफ और एक तरफ बना रही हूँ हाई पोनीटेल। काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं मैं पफ कैसे बनाती हूँ, तो मैं यहाँ पर कोई भी आर्टिफिशियल पफ यूज नहीं कर रही हूँ। मैंने देखिए नॉर्मली बाल लिया और यहाँ पर मैंने क्लिप से 2 क्लिप लगा करके बालों को सेट कर लिया है। एंड एक तरफ आप देख सकते हैं कि मैं एकदम हाई गई हूँ पोनीटेल पे। तो ये दोनों ही हेयर स्टाइल्स को बहुत अच्छे से होल्ड किया है इसने। आप कर्ल्स कर सकते हैं, जो आपका मन करे वो कर सकते हैं। If you want to buy this product, links will be given in the description box. Do check that out. And हम चलते हैं आगे व्लॉग की तरफ। बाथरूम में घुसने के लिए भी जाले हैं, जाले में से निकल के जाना पड़ेगा। तो अब मुझे थोड़ी सीरियस वाली हम लोग सफाई करेंगे। दोनों ने झाड़ू पकड़ ली है तो अब हम सफाई करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं।
लिटरली बहुत ज्यादा बुरी हालत है घर की, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। ये क्लीनिंग हमको लगेगी कम से कम 3 से 4 दिन की, बिकॉज किचन बेडरूम, जैसे आपको जब आप पेंट करते हो दिवाली की सफाई नहीं होती है, ये उससे भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि वॉल्स तक में थैंकफुली हमारे इधर बेडरूम में सीलन नहीं आई इस बार, तो बेडरूम में थैंकफुली कोई गंदगी ज्यादा नहीं है, बट बाकी रूम्स में तो बाप रे, किचन तो मतलब ऐसा हो रहा है जैसे भूत बंगलों में आप घुसते नहीं हो, किचन में जाते हो, मतलब सोचो हम दोनों ने कपड़े चेंज नहीं करे, ये विक्की बेचारा आते से ये भी लग गया, और बेचारी आते से मैं भी लग गई, बेचारी नहीं मुझे तो। और ये जो हमारा थ्रो है वीडियो में, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये काला हो गया है। कौन सी घड़ी ऐसी थी जिसमें मैंने ये सोचा नहीं कि इसको मुझे रख के जाना चाहिए था अंदर? बहुत सारी घड़ियां थी, नहीं थी, अपन एकदम अचानक भागे थे हम लिटरली, भागे थे। कोई सोचता मैं अपना था सैटरडे निकल लेगा, अपन भागे थे थर्सडे। अब आप देखेंगे सामान, अब आप देखेंगे ये औरत का सामान कितना आता है। ठीक है, आप लोगों को पिछले बार ऐसा लग रहा था ना कि मैं कुछ ज्यादा एग्जैजरेट करता हूँ, ये सच में कार के ऊपर भी बंधवा के लाए सामान, इसका बस चले दो। मतलब लिटरली मैं नॉर्मल गंदगी भी बर्दाश्त नहीं करती अपने घर में, डस्ट नॉर्मल, और अभी तो इस लेवल की डस्ट है। विक्की कह रहा भी सिर्फ ऊपर झाड़ू लगाते हैं, खाना खा के सोते हैं, मेरे को तो नींद ही नहीं आने वाली, मेरे को कल है ना एंजाइटी में मैं जल्दी उठूंगी कि नई नई घर की क्लीनिंग करनी है सुबह उठ करके। हाय एवरीवन, तो अभी जस्ट मैंने शार लिया है और अभी मैं अपना फ्रिज क्लीन कर रही हूँ, विक्की शार लेने गया है, हम लोगों ने अभी लिटरली डस्टिंग की है, मॉपिंग करी है, एंड घर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, कभी भी अपना घर मैं लिटरली इसको मांझ रही हूँ, क्योंकि खाना रखाएगा यार इसमें और इसको गंदा नहीं छोड़ सकते हैं। उसके बावजूद भी अभी जब हम आ रहे थे ना, तो हमको बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे, अरे वहाँ जाके करोगे क्या, क्या है वहाँ पर, मन तो कर रहा है मेरे को ना, इतनी गुस्सा आ रही है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी उन लोगों को सबको फोटो भेजूँ और बताऊँ कि क्या है यहाँ पर। साला कॉकरोच फ्रिज के अंदर कैसे घुस गए मुझे समझ नहीं आ रहा। गैस तो देखिए कैसी हो रही है, मतलब गैस में लिटरली ये वो लग गई है, रस्ट लग गई है गैस पे, तो जाले लग गए हैं, ये जो मिर्ची है ना ये ख़राब हो गई, काली पड़ गई है, तो ये सब मुझे सब चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारा वेस्टेज हुआ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो आज है डे 2, मतलब नेक्स्ट डे, और अब हम, क्योंकि कल तो मेरे को लिटरली कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मुझे बस नींद आ रही थी क्योंकि मेरा हेडेक हो रहा था, तो अब हम पूरा क्लीनिंग करेंगे। हमने ये जो हमारा ब्लैंकेट है जो हम यूज़ करते हैं वो भी हमने वॉश कर दिया था, एंड यहाँ पर भी अच्छा ठंडा है, मतलब मुंबई का वेदर ठीक है, काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू, हमने सोचा था बहुत चिपचिप होगा, गंदा सा होगा, बट हाँ ये काफ़ी अच्छा वेदर है। रात में हम लोगों ने फ़ैन भी बहुत आराम से धीमा ही चलाया, तो अभी सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, अभी तो हम लोग ढूंढ विक्की नीचे बात करके आएगा कि कोई एक मेड आ जाए ना, तो जैसे गैस वगैरह घिसना विसना ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, बिकॉज मैं अकेले और विक्की का जो ऑफिस का काम है काफ़ी सारा, तो अकेले तो मैनेज नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी बेडरूम से, तो ये जो बैग है पहले तो ये खाली करते हैं, और वो वाला जो बैग है वो खाली करते हैं, क्योंकि वो ये दोनों बेड बॉक्स के अंदर जाते हैं, तो ताकि बेड बॉक्स में रखे यहाँ जगह हो, तो मुझे समझ में आए कि मुझे अभी क्या करना है, तो इसलिए सबसे पहले ये दो बैग्स खाली करने का काम स्टार्ट करते हैं। सो यस, अभी सुबह मैंने लिटरली कुछ खाया नहीं और मैं 7 बजे की उठी हुई हूँ, मुझे 7 बजे नींद खुल गई थी, मैंने बोला ना जब तक ये घर क्लीन और साफ और जैसा रहता है वैसा नहीं हो जाएगा तब तक मेरे को नींद नहीं आने वाली अच्छे से। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ भाई साहब, जो प्लांट्स है ना मेरे, इनमें से मैं बताऊँ कौन सा प्लांट बचा है, ZZ प्लांट और स्नेक प्लांट जो है ना, ये दोनों बचे हुए हैं, और उसके बाद एलोवेरा, गजब भाई गजब। ZZ प्लांट ने तो मतलब आग लगा दी है, ZZ प्लांट किस लेवल का है, पूरा प्लांट बचा हुआ है ZZ। मैं लिटरली भोपाल में 50 से भी ज़्यादा टॉप लेकर के गई हूँ, फिर उसके बाद जो मैंने हॉल वीडियोस बनाए थे उनमें मेरे पास टॉप इकट्ठे हो गए, तो इन शॉर्ट चाहे मैं 6 महीने के लिए जाऊँ
चाहे मैं 10 दिन के लिए जाऊँ चाहे मैं 15 दिन के लिए जाऊँ, मैं कपड़े जो है वो 10 से ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ. मैंने लिटरली इवन मैंने जो वीडियोज़ भी बनाए ना सिट आउट वीडियोज़ में भी मैंने टॉप्स रिपीट कर दिए हैं, पर मजा लेके मैंने नया या अंदर से कोई टॉप निकाला हो, मतलब जो ऊपर ऊपर थी वही सब पहनती हूँ मैं. तो अब नेक्स्ट टाइम से मैं कभी भी इतने कपड़े लेके ट्रैवल नहीं करने वाली हूँ. सीरियसली बोलो क्या बोलो. मैं बोली ये गाल पकड़ने की जगह ये कौन पकड़ता है. नहीं ये क्या बोली चलो, ये कि अब मैं नेक्स्ट टाइम से इतने कपड़े लेकर के ट्रैवल भी कि कितने नींद में हा? नहीं मैं कितनी भी नींद में मेरे को पहले बताओ आप क्या बोली कि इतने कपड़े लेकर के ट्रैवल नहीं करूंगी. वेरी गुड. ये रिकॉर्डेड है, अगली बार अगर आपको ऐसे बड़े बड़े दो तीन जंबो बैग नहीं अभी कहीं दो तीन महीने के लिए जा रहे तो करना पड़ेगा ना. नहीं कोई जरूरत नहीं है, दो महीने के लिए जाओ, 10 महीने के लिए जाओ, 1 साल के लिए जाओ, 2 साल के लिए जाओ. आप 10 से ज्यादा नहीं पहनती ना तो 10 से ज्यादा लेके भी नहीं जाने का. इतना ज्यादा सामान हो चुका है कि मैंने ना इतना ही सामान, मैं लिटरली मेरे पास बहुत सारा सामान आता है ब्रांड्स का, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट भी करवा देती हूँ हाथों हाथ फटाफट. बट इसमें तो ज्यादा हो गया यार, तो मुझे खतरनाक मैसिव डीक्लटरिंग करनी पड़ेगी. ये देखो ये औरत ना खरीदती है सामान. मैं इतनी नहीं हूँ, आता है, इतनी नहीं हूँ, ये आता है सामान. क्योंकि मैं बहुत सामान लेकर गई थी, प्रॉपरली मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है और अब इसको थोड़ा क्लीन करना बाकी है, तो वो मैं आराम से करूँगी. जो भी दीदी आ रही हैं क्लीनिंग वाली उनसे करवाएंगे. एंड साथ में बहुत सारा सामान मैंने बाहर निकाल दिया है, यूज़ नहीं करने वाला. बहुत सारी चीज़ें इसमें भरी भी हुई हैं, तो वो जो हमारे यहाँ दीदी आने वाली हैं, अगर इफ़ शी वॉन्टेड इट आई विल गिव इट टू हर. बहुत कुछ मैंने निकाल दिया है क्योंकि इंसान तो एक ही हूँ, लगाऊंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बॉडी लोशन. मेरे पास 7 तरह के बॉडी लोशन है, जो यहाँ पर थे वहाँ पे तो मैं छोड़ के आ गई हूँ, वो अलग है. सो यस, जिनको भी ज़रूरत होगी उन सबको दे दूंगी मैं. ये काफ़ी सारे पाउचेज हैं. अब मुझे ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें मेरे पूरे घर में पहनने के कपड़े थे, तो क्योंकि इस वाली जो ये कबर्ड है, ये जो प्लाईवुड है, ये बहुत ही हल्के मटेरियल की प्लाईवुड है, तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा बुजोड़ी होती है, फंगस लग गई है पूरी तरह से, फफूंद वाइट कलर की कपड़ों में भी लग गई है, तो ये कपड़े तो मैं यूज़ ही नहीं कर सकती हूँ. तो थैंकफुली मैं जो इतने सारे कपड़े लेकर के गई थी घर में पहनने के लिए, मैं लेके गई थी, मैंने उन्हीं को अभी इसमें रख दिया है. तो अभी 7-8 दिन तो मैं वही कर पहनूंगी, बिकॉज इन सबको मुझे धोना पड़ेगा. और यहाँ पर इतनी जगह भी नहीं है कि मैं इनको सुखा सकूँ, वेदर भी ऐसे ही हो रहा है. अदरवाइज अगर धूप वगैरह होती ना तो मैं एक ही दिन में सारे कपड़े धो देती, बट वो धीरे धीरे करके कम से कम 4-5 दिन तक ये क्लीनिंग चलेगी. सो यस, एंड बर्तन मैं आज सारे साफ करवा लूँगी, उनसे एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगी उनको सारे, कि आप सारे बर्तन ही धो दो ताकि थोड़ा किचन नॉर्मल हो. आपको घर की कंडीशन बताती हूँ, एटलीस्ट बेटर देन बिफोर. वेट अ सेकेंड. सो ये यहाँ से पूरा सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है. यस, आई हैव टू वॉश ऑल दीज क्लोथ्स जो भी इसके अंदर हैं, मतलब ये तीनों लेयर्स धुलेंगी. सो फर्स्ट लेयर को क्लीन करके मैंने यहाँ डेली के पहनने के कपड़े रख दिए हैं जो भोपाल वाले थे. सो यस, एंड ऑल्सो ये थोड़ा क्लीन हो गया है और काफ़ी हद तक ये यहाँ से मैंने सब कुछ सॉर्ट कर दिया है. और उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं देने वाली हूँ, इसके अंदर कपड़े भी हैं, काफ़ी सारे मेरे लोअर्स हैं, तो वो सब मैं दे दूँगी. एंड यहाँ पर मेरे जितने भी शूज़ थे, ये जितने भी 3-4 जोड़ी शूज़ एंड स्लीपर्स जो मैं अभी तक घर में पहनती थी, वो सब मैं दे रही हूँ. एंड यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, शैम्पूज़ वगैरह, वो सब भी मैं दे रही हूँ. वो बुरी वाली हालत तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करी, बिकॉज़ आई नो मुझे जितना दुख हो रहा था तो आप लोग को भी बुरा लगता देख करके. सारे जितने भी प्लांट्स थे वो जा चुके हैं. जीजी प्लांट बचा हुआ है,
स्नेक प्लांट बचा है और ये 5 प्लांट जो है मैं घर से लेकर के आई थी. एज यू ऑल नो दैट तुलसी के बिना तो हम लोग रहते ही नहीं है. तो तुलसी जी हैं, 2 तुलसी जी दिया हुआ है मेरे पापा ने एक छोटे इसमें, और ये है, देन ये बारामासी है, एंड देन मनी प्लांट. ये 5 प्लांट्स मैं लेकर के ही आई हूँ. विक्की ने अपना पूरा यहाँ पर सेटअप जो है वो भी पूरा लगा लिया है. सो यस, अब मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ. हम लोगों ने शार वार ले लिया है, खाना वाना खा लिया है. यहाँ पर चल रहा है बिग बॉस, और मैं अभी कुछ बहुत ज़रूरी काम से हम लोग निकल रहे हैं. उसके ऊपर अलग से इस व्लॉग में तो नहीं इंक्लूड करूंगी, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना रही हूँ. लिटरली मैं बताऊँ, मुंबई में तो ना ऐसा माहौल हो गया है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोविड ही नहीं है. मतलब इनफैक्ट भोपाल से भी ज़्यादा खतरनाक हालत है मुंबई की. पब्लिक आर ऑन रोड्स टोटली. मतलब कल हम आ रहे थे तो हम कल्याण तरफ से आते हैं, मतलब नासिक कल्याण वाला जो रोड है उधर से आते हैं हम लोग. हम जो कल्याण में गुजरते हैं, हमने जितने सालों हम काफ़ी बार रोड से जा चुके हैं, रोड से ट्रैवल करते हैं, और रोड से नहीं तो जो बस होती है वॉल्वो बसेस उससे भी आते जाते हैं. बट मैंने कल्याण में कभी भी इतना ट्रैफिक नहीं देखा जितना मैंने कल देखा है. मे बी बिकॉज ऑफ लोकल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा जैसे सेल्फ वाली जो व्हीकल्स होते हैं, खुद की व्हीकल्स ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं अभी, इसलिए शायद रोड्स पे भयंकर ट्रैफिक है, भयंकर वाला ट्रैफिक है. हे गाइस, तो ये वाला व्लॉग जो है ना वो भी मैं यहाँ एंड करती हूँ. कल मिलूंगी आप लोगों से, मतलब इसी व्लॉग में कल मिलूंगी. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. सो आज सुबह से हमारे यहाँ, मतलब वही जिनको हमने लगवाया है हाउस हेल्प, वो आ गए थे, एंड उनसे हमने आज पूरे बर्तन, मतलब हमारे घर में जितने भी बर्तन हैं वो सब क्लीन करवाए हैं. लेट मी शो यू. क्योंकि सुखाने की जगह ही नहीं है तो यहाँ पर डाल करके रखे हैं, सब सूख गए हैं. अब फटाफट विक्की मुझे देता जाएगा और मैं इनको जमाती जाऊँगी. एंड आपको किचन में भी बताती हूँ, यहाँ पर भी सारे बर्तन रखे हुए हैं. मतलब लिटरली हमारी जो फ्रिज है उसमें नीचे कीड़े टाइप पड़ गए थे, इल्लियाँ पड़ गई थी. सो ये अभी मैंने पूरा क्लीन किया है. मैंने उस दिन, जिस दिन मैं आई थी ना, उस दिन मैंने सिर्फ ये ऊपर का पार्ट क्लीन करके एटलीस्ट सामान रख दिया था यहाँ पर. बट ये भी मैंने अभी पूरा क्लीन किया है, तो अभी बस इसको जमाना स्टार्ट करती हूँ. हे गाइस, सो आई जस्ट फॉरगॉट टू फिनिश द व्लॉग यस्टरडे. मतलब कल मुझे ख़त्म करना था बट मैं आज ख़त्म कर रही हूँ. सो यस, फिनिशिंग दिस व्लॉग टुडे. अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड ऑल्सो बहुत ही एक्साइटिंग व्लॉग्स अभी आने वाले हैं, लाइंड अप है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय.